गुड इवनिंग सर। लास्ट टाइम हम लोग एरे का कंसेप्ट देखे थे, एरे कैसे हैंडल किया जाता है। अभी एरे के अगर डायमेंशन बढ़ा दिए जाए, एक डायमेंशनल एरे होता है वेक्टर जैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो डायमेंशनल एरे, क्योंकि उसमें रोज भी रहेंगे, कॉलम्स भी रहेंगे। तो आज पहले हम देखेंगे मैट्राइसेस किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। C++ में कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन करना है, पहले देख लें मैट्रिक्स होती कैसे। एक ये 2x2 मैट्रिक्स है, देखें आपने मैट्राइसेस, इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो इसमें एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तो इस रो को हम एक एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरी रो को दूसरी एरे से कर सकते हैं, लेकिन कितनी रोज होंगी ये पता नहीं। तो वही चक्कर आ गया कि जिसलिए हमने एरे यूज़ की थी कि पता नहीं है हाउ मेनी एलिमेंट्स आई वांट टू कीप, सो आई वांटेड टू डिफाइन एन एरे। ए टू डायमेंशनल एरे इन C++ इज डिफाइंड by something like this. So जैसे array का एक नाम होता था और उसमें एक index होता था, यह array में दो size हैं, एक number of rows है, एक number of columns है। So this represents size of number of rows, और ये क्या होगा, अब इसे आपने डिक्लेयर कर दिया तो मेमोरी कैसे अलोकेट होगी। मेमोरी तो वन डायमेंशनल होती है, एक के पीछे एक लोकेशन रहते हैं। तो क्या करता है कि पहले जितने भी फर्स्ट रो है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसको जगह पहले बना देगा, तो ये रो वाइज अरेंज करता है इसमें। तो जैसे इसमें 100 रोज हैं और 100 कॉलम्स हैं, तो पहले रो के 100 कॉलम जो हैं वो पहले अलोकेट होंगे। और इसको इंडेक्स कैसे किया जाता है, वो एरे का नाम लिखते हैं और इसमें अब दो इंडेक्स लगेंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा उसका रो इंडेक्स होगा 0, कॉलम इंडेक्स होगा 0। नॉर्मल एरे में 0, 1, 2, 3, 4 अप टू साइज -1 तक एरे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये 0th रो का 0th कॉलम, उसके इमीजिएटली बाद में रहेगा 0th रो का फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में रहेगा 0th रो का सेकेंड कॉलम, उसके बाद में ऐसे अलॉट होता जाएगा। और चूंकि साइज हमने डिक्लेयर किया है 100x100, तो 100 कॉलम्स हैं, तो पहले रो में 100 वैल्यूज आएंगी, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी पहले रो की, 099। और इसके तुरंत अगला वाला जो मेमोरी लोकेशन है वो अलॉट हो जाएगा C10। और जिस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग एरे एलिमेंट लिख सकते थे, उसी तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में आप टू डायमेंशनल मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख सकते। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू एवर राइट ए स्टेटमेंट विच सेज एम इज इक्वल टू 2 × Q + 7 × Cij, ये परफेक्टली वैलिड सी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जैसे क्यू है उसी तरह सी आई जे। अब जैसे एरे के बारे में सोचा था दैट अनलेस द वैल्यू ऑफ आई एंड जे आर डिफाइंड, द
दिस हैज नो मीनिंग। आई और जे की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए और किस रेंज में होनी चाहिए वैल्यूज, आई शुड बी बिटवीन 0 and 99, जे शुड बी बिटवीन 0 and 9। अगर यहाँ पे हमने 1000 कर देते साइज तो 0 to 999 रेंज हो जाती, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करें। हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इस तरह का साइज डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये 100 by 100 हमने मेमोरी लोकेशंस डिफाइन किए हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो एरे है वो इस तरह का हमने डिफाइन कर दिया, 2 dimensional मैट्रिक्स। अब इसमें हम 3 by 2 मैट्रिक्स भी स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें 3 by 2 मैट्रिक्स में क्या होगा, 3 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे, बाकी जो जगह है हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो इट इज पॉसिबल फॉर मी दैट व्हेन आई डिक्लेयर एन एरे लाइक दिस, आई कैन ऑल्सो डिक्लेयर इंट एम एन एंड लेट अस से आई डिक्लेयर इंट आई जे विच आर इंडाइसेस, एंड सपोज देर आर एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन आई कैन रीड इन द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन एंड देन आई कैन सेट अप ए नेस्टेड इटरेशन वेयर आई विल से फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, फिर इसके अंदर लिखेंगे फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और यहां पे अगर मैंने लिख दिया इनपुट व्हाट विल दिस प्रोग्राम डू, क्या करेगा ये प्रोग्राम, पहले एम और एन की वैल्यू पढ़ेगा। मान लीजिए हमने m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2 ऐसे वैल्यूज इनपुट में दे दिया, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट्स क्या करेगा, नहीं आप इसको एग्जीक्यूट करें बाकायदा, वो नहीं तो ये नेस्टेड इटरेशन है, पहले i की वैल्यू बदलेगी, किसी एक i की वैल्यू के लिए j की वैल्यूज बदलेंगी, और कैसे बदलेंगी तो वो देखना चाहिए क्या किस रेट से बदलती है वैल्यू। यहाँ हम लिखते हैं i, यहाँ लिखते हैं j और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। पहले हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया, इसने क्या किया, आई इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ आई इक्वल टू 0 हो गया। फिर चेक करेगा 0 less than m है, m 2 है तो 0 less than m है, अंदर आएगा, अंदर आके यहाँ पे दूसरा लूप चालू हो गया, यहाँ पे क्या होगा अब, फॉर j इक्वल टू 0 है तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 less than n है तो अंदर आएगा। अब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सी इन सी आई जे, आई इज 0, जे इज 0, सो व्हाट विल बी रेड, इट विल रीड सी 0 0, ये वैल्यू पढ़ ली जाएगी। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद वे कहाँ जाएगा, वो वापस इनर इटरेशन पे जाए, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा 1, तो जे हो गया 1, ये 1 फिर भी लेस देन एन है, फिर अंदर आया, तो अंदर आके बोलेगा सी आई जे, ये आप देखिए आई 0 है, ये 1 है, तो कौन सी वैल्यू पड़ेगा आप, वो सी 0 1। फिर यहाँ आया, फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, जे की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि ये इनर लूप है, तो जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 2। इज 2 लेस देन एन, नो, एन इज 2, इसको ना भूलें, तो मतलब ये खत्म हो गया, इस पर ये और नहीं करेगा, तो ये इस लूप में से निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद ये लूप खत्म हुआ, ये फिर उसको वापस धक्का दे के वापस भेजेगा, अब इस समय क्या होगा, I की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो I की वैल्यू हो गई 1। इज 1 लेस देन m, यस इट इज, सो इट विल कम डाउन अभी, बट इट विल कम डाउन हियर फ्रॉम दिस साइड,
It is not repeating, it is coming back again. The for statement will be executed ek bar fir se. To fir j equal to 0 ho jayega. J ki koi bhi value rahe, ye for statement execute hua to j equal to 0 ho jayega. To ye j jo 2 hua tha fir se 0 ho jayega. Ab 0 chuki less than n hai, fir andar aayega aur fir wahi internal jo inner loop hai wo pichli tarah execute hoga. तो पहले यह जीरो होगा तो इस बार क्या वैल्यू पड़ी जाएगी, सी वन जीरो, फिर उसके बाद ये वन हो जाएगा, ये फिर पड़ेगा सी वन वन, फिर उसके बाद ये वन का टू हो जाएगा, और फिर टू तो एन से छोटा नहीं है तो ये यहाँ से निकल आएगा बाहर, बाहर आके फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, अब आई हो जाएगा टू, और फिर से ये यहाँ से ऊपर से आएगा इधर, सो फिर से फॉर शुरू हो जाएगा. सो रिमेंबर दिस, वेन एवर यू अप्रोच ए फॉर स्टेटमेंट फ्रॉम अबाव द इनिशियलाइजेशन स्टार्ट, द एंटायर इटरेशन स्टार्ट अगेन. वेन एवर यू आर थ्रोन बैक देन ओनली इंक्रीमेंट इज डन एंड टेस्टिंग इज डन. ओके, सो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन नाउ, आई विल बिकम टू एंड जे विल बिकम zero, and now this time you will read what, 2 0, then this will become 1, you will read c 2 1, then this will become 2, again 2 is not less than n, come out again, go back, abhi I kya ho jayega, 3 ho gaya, is 3 less than m, no, बिकॉज एम इज इक्वल टू 3. तो अब इस लूप से भी बाहर आ जाएगा वो, यानी ये लूप यहाँ से खत्म होता है तो ये सीधा निकल के यहाँ पे आ जाए, ये इनर इटरेशन और आउटर इटरेशन का इफेक्ट होता है. आई की एक वैल्यू के लिए जे वाला लूप दो बार चलेगा, फिर आई की अगली वैल्यू के लिए जे वाला लूप दो बार चलेगा, फिर आई की और अगली वैल्यू के लिए, जब तक आई की वैल्यूज है तब तक ये दो दो बार करता रहेगा या एन बार करेगा, 0 1 n-1 तक, जो भी इनकी वैल्यू. इस तरह से आप न केवल वैल्यूज पढ़ सकते हैं, इनको आप उपयोग भी कर सकते हैं किसी जगह कुछ भी करना हो तो. क्या उपयोग किया जा सकता है मैट्राइसेस का, चलिए दो मैट्रिक्स जोड़ते हैं, तो दो मैट्रिक्स जोड़ना है ए प्लस बी, तो पहले उसके साइजेस कंपैटिबल होना चाहिए. आप एक 50x70 मैट्रिक्स को 30x68 मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकती, तो दोनों कंपैटिबल होना चाहिए, दोनों m बाय n हो. तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, आई और जे रो और कॉलम इंडेक्स के लिए यूज करेंगे. अब ये एरे पढ़ी कैसे जाएगी, ए और बी एरे ऐड करना है, मान लें हम वी हैव वांट टू ऐड एरे ए एंड एरे बी एंड टू गेट एरे सी. ओके, तो ये देखिए कमेंट किस तरह से लिखा है, कि पहले ये डिक्लेयर करने के बाद में हम सबसे पहले एम और एन की वैल्यू इनपुट कर लेंगे, और ए और बी जो एरेज हैं इसको दो डायमेंशनल ऐसा लिख देते हैं, इन सबके एलिमेंट्स हम पढ़ लेंगे. ये कमेंट है, यहाँ ऐसा इंडेक्स वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, कमेंट अंग्रेजी में हमारे लिए लिख रहे हैं हम लोग. स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो भी आता है सी प्लस प्लस कंपाइलर उसे नहीं पढ़ता, वो हमारे लिए लिखा, हमें पता चले हम क्या कर रहे हैं. अब ये आप लिख सकते हैं कोड कैसे, दोनों एरेज कैसे पढ़ेंगे,
कैसे पढ़ोगे आप? फॉर आई इक्वल टू वन टू एम वन टू एम माइनस वन विद इन दैट फॉर जे इक्वल टू वन टू एम माइनस वन इनपुट ए आई जे दोनों लूप खत्म कर दो. अगेन फॉर आई इक्वल टू वन टू एम फॉर जे इक्वल टू वन टू एम सी इन बी आई जे वो लूप खत्म कर दो तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई. ओके अब इसके बाद में यहाँ पे ये आपने कोड लिख लिया. अभी यहाँ हम लिखते हैं नाउ परफॉर्म एडिशन. कैसे ऐड करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक m और n से ज़्यादा है. हमें जगह चाहिए चीज़ें रखने के लिए. उसका एब्सोल्यूट साइज जितना गरज है उससे बड़ा होना चाहिए. कल हमने देखा था एरे साइज कितना हो, 100 हो, 1000 हो. तो क्या उदाहरण दिया था हमने कि हमें हमारे घर में जितने लोग हैं उतने कमरे से ज़्यादा कमरे होने वाला घर हो तो काफ़ी. 8 लोग हैं तो 15 कमरे का घर बना दिया तो आगे भी कुनबा बढ़े तो जगह है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सिमिलरली एरे साइजेस यू शुड नॉट बी स्टिंजी. व्हाट शुड बी द एक्चुअल साइज रिक्वायर्ड दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम में जो साइज होगा मैक्सिमम उतना साइज रखना पड़ेगा. अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड नहीं है तो कहीं कमेंट लिख दीजिए दैट आई अश्योर दैट आई विल नॉट रिक्वायर मोर देन दिस साइज 1000 by 1000 1 lakh by 1 lakh आप मर्जी करो 1 lakh by 10,000 अगर आपके रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं तो पूरा देने की जरूरत है. लेकिन इतना ख्याल रखें जो भी आप साइज लिखेंगे उतनी मेमोरी अलॉकेट होनी चाहिए. और अगर आपके कंप्यूटर में उतनी मेमोरी नहीं होगी तो कंपाइलर एरर दे देगा कि भी जगह नहीं. असल में कंपाइलर एरर नहीं देता है. वो जब आपका प्रोग्राम लोड करोगे आप ए डॉट आउट लिखोगे तो डिस्क से प्रोग्राम उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करेगी और उस समय मेमोरी एक्चुअली दी जाएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगी इतनी मेमोरी नहीं मेरे पास. तो साइज के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए. बट यू नीड नॉट बी वेरी मीन मेक नहीं यू विल नेवर सी ए साइज एन एरे बीइंग डिक्लेयर्ड एरे ए 67 by 23. ऐसा कोई एरे डिक्लेयर नहीं करता. You may be working with 67 by 23 array, but you generally declare the size to be a larger size. Okay. Anyway, let's come to this. How will I add the arrays? ये A array है, ये B array है, और ये add करके मुझे C array बनाना है. अब ये C array का कोई भी एक element दीजिए आप. ये element मान लीजिए I और J element. जो भी value आए जाएगी वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है? सी आई जे इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है. हाँ तो इनका कहना है कि दो फॉर लूप, एक फॉर लूप यूज किए थे हमने इनस्टेड फॉर आई इक्वल टू वन टू एम फॉर जे इक्वल टू वन टू एन. उसमें हमने ए एरे पढ़ा तो उसी में बी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है. लेकिन किस तरह से आप पढ़ोगे? आपको एक एलिमेंट ए का देना पड़ेगा फिर एक एलिमेंट बी का देना पड़ेगा क्योंकि एक बार आई और जे 0 0 है तो 0 0 के दोनों एलिमेंट आ जाने चाहिए. फिर दूसरे बार इटरेशन में 0 1 और 0 1 के दोनों एलिमेंट आने चाहिए. अब एक्चुअल प्रैक्टिस में आप सोचिए कि ऐसी वैल्यू देंगे क्या? आपके पास दो मैट्रिक्स होंगी, एक एक कागज पर लिखी होगी एक दूसरे कागज पर लिखी होगी. तो इनपुट किस तरह से देना है? ईजी है. पहले ए मैट्रिक्स की पूरी वैल्यूज दे दो और फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यूज दे दो. नहीं तो आप देखेंगे a 0 0 b 0 a 0 1 b 0. समझिए ना, किया जा सकता है. तो इनका सवाल सही है कि मुझे दूसरे इटरेशन लगाने की जरूरत है क्या? लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए? हम क्या बचा रहे हैं? हम कुछ लाइनें लिखना बचा रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन उसके बदले में हम क्या पा रहे हैं? हम अपने सिर को आधा घंटा घुमा रहे हैं तो वो ठीक नहीं. तो यूसेज की दृष्टि से देखिए, थिंक अबाउट द यूसेज. व्हाट इज द इजीएस्ट यूसेज? यू विल जनरली हैव वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स रिटन एट वन प्लेस
values of a another matrix written in another place. It is best to emulate what you will do in real life. So you read all elements of one matrix, then read all elements of another. इन्हीं के सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है ए आई जे और बी आई जे. अब मान लीजिए हमने एक ही लूप लगाया, फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एम, फॉर जे इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, और उसके अंदर सी इन ए आई जे भी कर दिया, सी इन बी आई जे भी कर दिया, और उसी लूप में सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे भी कर दिया. भाई एक बार दोनों वैल्यूज आ गई तो मैं ऐड कर दूंगा, जो भी सी आर ए का जो लोकेशन होगा वहाँ चली जाएगी वो. तो एक ही इटरेशन में मैंने दोनों मैट्रिक्स पढ़ भी लिए और ऐड भी कर दिए. लेकिन उसके बाद में आपने ये प्रोग्राम लिखा और इन्हें दिया तो समझ में आएगा क्या हो रहा है, यूज करेंगे समझ में आएगा क्या हो रहा है. तो इसलिए लूप अलग अलग भी लिखें तो अच्छा प्रोग्राम बने. सो यू रीड एरे ए फर्स्ट, यू रीड एरे बी फर्स्ट, एंड देन राइट अनदर नेस्टेड इटरेशन टू ऐड द वैल्यू. व्हाट विल यू राइट हियर? Same, exactly the same iteration. फिर से इटरेशन सेटअप किया है, फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन, फॉर जे इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, एंड आई टेक वन एलिमेंट ए आई जे, टेक अनदर एलिमेंट बी आई जे, एड देम एंड पुट इट इन दी आई कॉमा जे एथ एलिमेंट ऑफ सी. सो दिस इज अ वेरी क्लीन इम्प्लीमेंटेशन. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस यू विल गेट द टोटल सी मैट्रिक्स करेक्टली. नाउ यू कैन प्रिंट इट बाय अगेन पुटिंग अनदर नेस्टेड लूप. So when you write the program, remember to break it in logical portions. Input one matrix, input another matrix, perform any operation that you want, and then output that matrix. भले आपको चार बार nested iteration लिखना पड़े, वो लिखने का तरीका सही है, ठीक है. अब इसे थोड़ा complex problem solve कर. Addition तो simple था, subtract करना है a में से b को. क्या यही है, यही program चल सकता है? खाली क्या change करना पड़ेगा? बस यहां माइनस कर देंगे. मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो क्या इसको यहां पे स्टार कर दें? नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ी गड़बड़ झाला चीज है. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह किया जाएगा बताइए आप. उसके लिए हम पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लिखते हैं. क्या डेफिनेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की? इसका कोई भी एक एलिमेंट हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, सी आई जे. देखिए ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, पंद्रह मैट्रिक्स है, इससे कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है. आप देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू सेट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. फिर आप अंदर आओगे, यहाँ पे जे की वैल्यू सेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अब जब आप यहाँ पहली बार आए तो i इक्वल टू जीरो और j इक्वल टू जीरो यहाँ पे लेके आ गए. अभी यहाँ आने के बाद में जो भी एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होने वाला है. अब एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन है ए आई जे. आई की वैल्यू में मालूम है, j की वैल्यू मालूम है, तो आपको ए आई जे मालूम है, तो कंप्यूटर उस लोकेशन में से ये उठा ले. उसके आगे बी आई जे लिखा है, तो i की वैल्यू मालूम है, j की वैल्यू मालूम है, तो बी आई जे मालूम. तो आप कितनी एरेज यूज कर रहे हो, कितने मैट्रिसेस यूज कर रहे हो, उसका फॉर लूप से कोई ताल्लुक नहीं है. आप जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ पे इसमें आप माइनस पी आई प्लस 27.3 क्यू जे
ओके मल्टीप्लाइड बाय ऐसा लिखा आपने. सो आप क्या क्या यूज कर रहे हैं इसमें, एक मैट्रिक्स है दूसरी मैट्रिक्स है एक एरे है दूसरा भी एरे, तो इसमें कितने एरेज कितने मैट्राइसेस यूज किए कोई मतलब नहीं. कंप्यूटर के लिए हर एक्सप्रेशन में जो एक एक एलिमेंट है वो एलिमेंट डिफाइन होना चाहिए. यहां पे हमने लिखा प्लस जेड, अब देखिए जब आप यहां पे आए तो आपको इतना मालूम है कि यहां पे आते टाइम में आई और जे के जीरो और जीरो वैल्यू, तो वो कंप्यूटर जब इस राइट हैंड साइड को देखेगा पहले बोलेगा हाँ ए आई जे, मुझे आई मालूम है जे मालूम है ए आई जे मालूम, इसकी वैल्यू वो निकाल लेगा मान लीजिए 17 है जो भी उधर मेमोरी में मिलेगी. फिर यहाँ आएगा बी आई जे, अगेन आई इज नोन जे इज नोन जीरो जीरो, सपोज दैट वैल्यू इज -12 वो निकाल लेगा. फिर यहाँ आएगा अब बोलेगा पी आई, नेचुरली पी नाम की कोई एरे डिफाइन होनी चाहिए ऊपर, और चूंकि यहाँ पे हम आई यूज़ कर रहे हैं आई जीरो है तो पी जीरो की वैल्यू लेगा वो मान लीजिए 3 है. उसके बाद बोलेगा प्लस 27.3 मल्टीप्लाइड बाई एक और एरे आ गई क्यू, उसका एलिमेंट क्या है जे है, जे की वैल्यू क्या है 0 है, वो कोई वैल्यू वहाँ मेमोरी से निकाल लेगा. सो दिस वे इट विल कीप ऑन लोकेटिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यूज फ्रॉम मेमोरी. You have Z. Z is not an array, but Z should be declared as integer Z, float Z or something. उसकी जो भी वैल्यू होगी उस समय वो वैल्यू आ जाएगी. सो एक्सप्रेशन में आप क्या लिख रहे हैं इसका आपके इटरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है. आप एक्सप्रेशन ये लिख रहे हैं लेकिन आपको चूंकि ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से एग्जीक्यूट करना है इसलिए आपने ये दो नेस्टेड इटरेशन लिखे, ताकि I इक्वल टू 1 टू m माइनस 1 और J इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 सॉरी 0 टू n माइनस 1 ये सभी वैल्यूज एक एक करके यहाँ पे आ जाए बस. अब ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, सो ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, सी आई जे कैसे डिफाइन होता है, सिग्मा ए आई के इंटू और के वैरीज फ्रॉम 1 to m नो 0 टू m माइनस 1 y m minus 1, the array is m by n, so it's the fundamental question, can you multiply two matrices, each of which is m by n, ये इसमें है, दो rows हैं और तीन columns, इसमें भी दो rows हैं, तीन columns, इसमें भी दो rows हैं और तीन columns, क्या multiplication possible है, नहीं possible. What is the minimum condition required? If the number of columns of one matrix should be equal to the number of rows of the second matrix, then only you can multiply these two. Otherwise not. तो इसका मतलब है कि अगर ये matrix m by n हुई तो ये matrix n by p होना चाहिए कुछ भी जो भी, और जो resultant matrix होगी वो m by p बनेगी, बहुत फर्क है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं लगता है यहां. अब हमने यहां डिक्लेयर तो कर दिया ए 100 वगैरह सब, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे m और n के साथ में p भी एक डिफाइन करना पड़ेगा, और ए जो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे m by n एलिमेंट्स, b जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे n by p एलिमेंट्स. ये एक और कारण है जो आपने सवाल पूछा था कि एक ही नेस्टेड इटरेशन में दोनों एरे क्यों ना पढ़ लें, वो पॉसिबल था क्योंकि दोनों एरे हमने अश्यूम किया था m by n है, लेकिन अगर इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई टू एरेज द एरे डायमेंशंस विल बी कंप्लीटली मिसमैच्ड, सो आई कांट रीड देम इन अ सिंगल लूप. फॉर रीडिंग एरे ए आई विल हैव टू सेट अप अ नेस्टेड इटरेशन, हाउ
I equal to 0 to M minus 1 and J equal to 0 to N minus 1. But for reading B, I have to set I equal to 0 to N minus 1 and J equal to 0 to P minus 1, because that is N by P array. And when I calculate the C matrix, I will vary from 0 to M minus 1 and J will vary from 0 to P minus 1. So the multiplication is going to happen completely different. Let us assume that you have read these arrays. Now let us see. So yahan pe main cryptic bhasha mein input statement likh raha hu. Yahan pe mujhe I aur J to lagenge hi. और चूंकि इस फॉर्मूला में मैं k लिख रहा हूं, तभी ये k कैसे अरेंज होगा फिर? k इक्वल टू 0 टू ये फॉर्मूला. तो पहले दो मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं. यहां पे कैसे पढ़ेंगे? c इन ठीक है. अब ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं. देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं. देखें यहां पे आई विल हैव टू रीड एम एन एंड पी, because M by N is this and N by P is this. Now I am reading the M by N matrix. So kaise padunga? For I equal to 0, I less than M, I plus plus. Abhi ye niche for J likhne ki jagah hai, yahi likh raha hu. ये देखिए एक लाइन में लिख दिया सब. फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, आउटर लूप हो गया. उसके नीचे मैं लिखता फॉर जे इक्वल टू 0, ये ओपनिंग ब्रास करके यहां लिख दिया. फिर और एक ओपनिंग ब्रास चालू हो गया जे वाला इनर इटरेशन का, उसमें मैं लिखता रीड इनपुट ए आई जे, वो यहां लिख दिया मैंने सी इन ए आई जे. और फिर J का लूप क्लोज करना है और I का लूप क्लोज करना है, दो ब्रासेस लगा. तो ये एक लाइन में हो गया. अब मुझे आप डिक्टेट कीजिए कि मुझे B मैट्रिक्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ूं. फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन N, I प्लस प्लस, फिर फॉर J इक्वल टू 0, J लेस देन P, J plus plus, and this time I will import B I J, and I will have to close two loops. Yahan pe semicolon. Another point to be noted: here also I am saying A I J, here also I am saying B I J. It does not mean that both are the same elements, because that depends on what is value of I and J. इसमें I और J की वैल्यू 0 टू M माइनस 1, 0 टू N माइनस 1 ऐसी चेंज होंगी, और इसमें I और J की वैल्यू 0 टू N माइनस 1 और 0 टू P माइनस 1 चेंज हो. सो आई विल रीड डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स, आई विल रीड डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट. इज दैट क्लियर? नाउ आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस. तो ये कैसे लिखूं? अब मुझे कितने एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है? M बाई P एलिमेंट्स कैलकुलेट. एक बार में मैं एक एलिमेंट कैलकुलेट करूँगा. तो ये जो सी मैट्रिक्स है, पहले मैं ये कैलकुलेट करूं, ये करूं, ये करूं, फिर ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसे करूंगा मैं. तो इसमें भी नेस्टेड इटरेशन तो लगेगा. तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम,
I plus plus for j equal to 0, j less than p, क्योंकि मुझे m by p elements calculate करना है. अभी यहां पे जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, m इंटू पी टाइम्स. फर्स्ट i इक्वल टू 0, देन j इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, p माइनस. देन i इक्वल टू 0, 1, j इक्वल टू 0, 1, 2, 3, p माइनस. i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 0, 1, 2, 3, p. यानी इस तरह से ये c मैट्रिक्स के सब एलिमेंट हो जाएंगे. अब यहां पे क्या लिखना है मुझे? अब यहां पे मुझे फिर से समेशन करना है. ये समेशन कैसे करते हैं हम लोग? इटरेशन करके. इटरेशन का वेरिएबल क्या है? k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. तो वो मैं इटरेशन लिखूंगा. किससे करता हूं? पहले उसको मैं बोलता हूं सम इज इक्वल टू 0, फिर लिखता हूं फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, और यहां पे मुझे लिखना है सम इज इक्वल टू क्या? सम प्लस व्हाट? ए आई के एंड मल्टीप्लाइड बाय अभी देखिए क्या होगा. आउटर, बिल्कुल आउटर लूप है, इससे आई की कोई वैल्यू आ गई. यहां तक आया तो जे की कोई वैल्यू आ गई. यानी आई और जे की एक कोई स्पेसिफाइड वैल्यू है, 2537 जो भी होगी वो. यानी कोई एक एलिमेंट फिक्स हो गया यहां पे, वो एलिमेंट के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं. अब उस एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये सिग्मा कैलकुलेट करना. तो मैं सम इक्वल टू 0 करता हूं और इटरेट करता हूं अराउंड के. के वैरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. तो इसमें क्या होगा? ए आई 0 मल्टीप्लाइड बाय बी 0 जे प्लस ए आई 1 मल्टीप्लाइड बाय बी 1 जे प्लस ए आई 2 मल्टीप्लाइड बाय बी 2 जे. जो भी आई और जे की वैल्यू है एन तक, एन माइनस 1 तक वो करेगा. और यहां पे जब मैं बाहर आऊंगा तो ये जो सम है इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए. तो मैं यहां पे लिख दूं सी I J इक्वल टू सम. और फिर यहां पे ये इटरेशन बंद कर दो और यहां पे ये इटरेशन. ठीक है? तो जो भी I और J की वैल्यू लेके यहां पे आएंगे, इट विल कैलकुलेट दिस सम फॉर द I J एलिमेंट. देन नेक्स्ट टाइम इट विल चेंज वैल्यू ऑफ J, इट विल कैलकुलेट नेक्स्ट एलिमेंट अनदर J, देन I विल चेंज अगेन, J विल वेरी फ्रॉम 0 एटसेट्रा. जब पूरा खत्म हो जाएगा काम तो सब एलिमेंट कैलकुलेट हो जाएंगे. अब एक सवाल और पूछता हूं, इज इट नेसेसरी टू हैव ए लोकेशन कॉल्ड सम एट ऑल? कैन आई नॉट एक्यूमुलेट द सम इन सी आई जे इटसेल्फ? सी आई जे शुरू में तो कोई वैल्यू है ही नहीं वहां पे. मान लो मैं उस सी आई जे में पहले 0 में रख दूं और सम में ऐड करने की जगह सी आई जे में ऐड करता जाऊं, तो फाइनली जो आएगा सी आई जे में आ जाएगा वैल्यू. टू गेट दिस, सपोज इंस्टेड ऑफ दिस सम इक्वल टू 0, आई राइट सी आई जे इक्वल टू 0. एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस, इफ आई से सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस दिस. अभी इसकी कोई जरूरत ही नहीं बची. जब इनर इटरेशन खत्म हो जाएगा तो सी आई जे में वैल्यू आ जाएगी सब. सो आई डोंट नीड ए सेपरेट वेरिएबल, दैट्स द पॉइंट. अभी आप घर जाके इसको एम और एन और पी की कोई वैल्यू ले लीजिए, 2, 3, 3, 2, और देखिए कि आपको फाइनल 2x2 मैट्रिक्स आता है कि नहीं. कोई वैल्यू एक एलिमेंट लिख लीजिए, बी एलिमेंट लिख लीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए हाथ से एज इफ यू आर सी प्लस प्लस. तो पता चल जाएगा आई कैसे वेरी हो रहा है, जे कैसे वेरी हो रहा है, के कैसे वेरी हो रहा है. ठीक है?
यू कैन डू दिस. एक लेक्चर मैंने जो दिया था मेन क्लास में, उसमें मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करे थे. साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व होते हैं मालूम है आपको? मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स अननोन है, आपकी ए मैट्रिक्स है या कोएफिशिएंट्स है. मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, 4, 3, -2, यहाँ पे लिखा है x1, x2 और इज इक्वल टू कुछ तो भी लिखा है, मान लीजिए 15 और 7 या 7.5. इस इक्वेशन का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब हुआ 5x1 + 4x2 इज इक्वल टू 15, 3x1 - 2x2 इक्वल टू 7.5. याद है? ऐसे इक्वेशन ऐसे लिखते हैं. अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो आप? बाय एलिमिनेशन. यू विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 5, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द अदर, देन यू विल गेट समथिंग. So you will eliminate one variable, you will find the second variable, then you will do back substitution, or back substitution leke fir se aap usko kar sakte ho. 2 by 2 equation to aap haath se kar lenge, 3 by 3 bhi kare honge aapne, 10 by 10 kiya hai kabhi. Engineering problems hote hain, usme system of 500 simultaneous equations hota. 500 variables mein 500 equations करोगे हाथ से सॉल्व? सबका सब CS101 का क्लास लग जाएगा, लॉक टेबल लेके तो भी नहीं होगा. दैट इज वेयर वी नीड टू यूज कंप्यूटर. सो दैट मीन्स वी हैव टू बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम. जिस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो कंप्यूटर से हमें करवाना, तो कैसे करवाएंगे? तो ये प्रॉब्लम हमने रेगुलर क्लास में सॉल्व किया था. उसमें ऐसी 2 इक्वेशन ली सिंपल, फिर बताया कि कैसे इक्वेशन हम एक को इससे मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करो तो कैसे चेंज करते हैं. उस सिलसिले में हमने यह तय किया कि ये अगर आपके क्वेश्चन मैट्रिक्स है ए वाली, तो ये मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में आ जाए अगर इस फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और ये कैसे आएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स से? इसमें कुछ गुणा करो, इसमें से घटाओ, उसमें कुछ जोड़ो, उसमें कुछ घटाओ. ये जो सिलसिला करते हैं ये प्रोग्राम से कैसे करेंगे, ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था. वो लेक्चर वो मैट्राइसेस करके, मैट्राइसेस प्रॉब्लम करके मूडल पे और होम पेज पे लोडेड है. उसकी स्लाइड पढ़िए आप, उसमें पूरा प्रोग्राम लिखा है कि अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया है तो वो यहाँ किस तरह से आएगा. और एक बार ये आ गया तो बैक सब्स्टिट्यूशन के वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ वाले तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायरेक्टली, लास्ट वेरिएबल इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर वो लास्ट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस. So xn-1 + this multiplied by xn will be equal to bn. You can find out xn-1, then xn-2, etc. etc. बस ये जो आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं इसमें आप x1, x2, a11, a12, b11, b12 ऐसे लिखते हैं. C++ में 0, 1 लिखना. तो ये हो जाएगा x0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 हो जाएगा. इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट 0, 0, क्वेश्चन 0, 1, क्वेश्चन 1, 0, क्वेश्चन 1, 1, इतना फर्क.
अब इसमें किस तरह से इटरेशन लगते हैं, इसमें इस तरह किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ आई वुड लाइक यू टू रीड दैट एट होम. और जैसे मैंने कहा कि एक 2x2 इक्वेशन का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल के क्वेश्चन लीजिए और उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन से वो जो पूरा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट कीजिए कि आपको अंत में सही रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं. और अगर वो 2x2 के लिए चलता है तो 100x100 के लिए भी चलेगा, 1000x1000 के लिए भी चलेगा. दैट इज द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर. अच्छा, मूडल पे मिड सेम पेपर्स जो क्विज पेपर्स जो दिए हैं उन सबके सॉल्यूशंस कल सवेरे अपलोड हो जाएंगे. वो प्रॉब्लम देखिए, कोई कमेंट कर रहा था कि बड़े कठिन प्रॉब्लम आते हैं क्विज में, तो प्रॉब्लम्स तो IIT है भैया, कठिन ही आएंगे क्योंकि दुनिया में आपको कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाद में जाकर, तो कठिन प्रॉब्लम ही करो. और कोई हर्जा नहीं, शुरू में नहीं समझ आएगा, कोशिश करोगे तो आ जाए. तो वो जो प्रॉब्लम्स है क्विज के प्रॉब्लम्स को पढ़िए, उन प्रॉब्लम को समझिए और उनके उत्तर देखिए जो मूडल पे लिखे हैं, वो पूरे प्रोग्राम्स हैं. मैं अगले हफ्ते सोच रहा हूँ कि कुछ एक 50-60 पेज के नोट्स बना लूँ, जो भी लेक्चर के स्लाइड्स हैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं दो पेज में कंसोलिडेट करके, और जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उनकी लिस्टिंग बना के और कुछ एक्सप्लेनेशन दे के. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो पूरा अगर लिख के हो जाए तो अगले हफ्ते में मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो आपको पढ़ने के लिए मटेरियल हो जाए. ओके ओके, थैंक यू.